मेरा नाम है आरती, आप देख रहे हैं फुटबॉल। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के एक छोटे के इंट्रो के साथ। थंबनेल देखे तो आप समझ ही गए होंगे आज मैं करने वाला हूँ कोस्को की फुटबॉल का रिव्यू। तो वो आती है 4 साइज के अंदर। तो मैं इस वीडियो के अंदर उसको बताऊंगा 3 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज वीडियो के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। तो यह है वो फुटबॉल जो आपने थंबनेल में भी देखी होगी और अभी भी आपको दिख रही है। तो ये आती है कोस्को की कंपनी की तरफ से, एंड सबसे अच्छी बात 500 रुपये की प्राइस में, ओनली 500 रुपीज़ की प्राइस में ये आती है। तो उसके 3 एडवांटेज बताऊंगा और 1 डिसएडवांटेज बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो भाई ये आती है फुटबॉल कोस्को की तरफ से। तो उसका पहला एडवांटेज है कॉस्ट फैक्टर। तो ये पड़ती है आपको 500 से 600 के बीच में। तो सबसे बड़ी बात, इसका बिल्ड मटेरियल भी अच्छा है, तो आपको कर्व एंड फुटबॉल में जगलिंग करने में तो एक्चुअली मदद करने वाला है। एंड बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सबसे, जैसे मैं कॉस्ट फैक्टर की बात कर रहा था, तो कॉस्ट फैक्टर में आपको कोस्को की फुटबॉल महंगी आती है, आपको पता होगा। और कोस्को एक ऐसा ब्रांड है जो फुटबॉल एंड कोई भी स्पोर्ट्स की चीज़ें एक्चुअल में अच्छी देता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉस्ट फैक्टर इसका एक्चुअल में अच्छा है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको बाय करने का। एंड कॉस्ट फैक्टर आप समझ गए, ओनली 500 की प्राइसिंग। सेकेंड चीज़ की तरफ, तो सेकेंड चीज़ जो उसकी आती है एक्चुअल में जो मुझे अच्छी लगी, वो है इसकी ग्रिप। मतलब ये सेकेंड स्टेप है, इसके अंदर ग्रिप अच्छी है, कि सिंथेटिक लेदर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे कि सिंथेटिक लेदर मैंने बोला, तो सिंथेटिक लेदर के शूज़ भी आते हैं, तो मैंने पहले ही बताया, लिंक आई बटन मैंने भी आ रहा होगा। अच्छे अच्छे शूज़ हैं यार, एक बार जाओ। और देखी बात आती है कि ये फुटबॉल आप कम हवा में भी आप उसको अच्छे से ज़्यादा खेल सकते हो, मतलब इसकी हवा होल्ड बहुत दिन तक रहती है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ ना इजीली भी, कि अगर आपने आज इसकी हवा भरी तो 15 डेज से पहले इसकी हवा कम नहीं होगी। और मैंने ये दिखा करने के लिए इसकी 15 डेज तक इसके अंदर हवा नहीं भरी, और अब देखो अब जाके इसकी हवा कम हुई है, आपको शायद दिख भी रही होगी। एंड उसमें थोड़ा सा एडवांटेज है, वो है इसकी एक थ्रेड निकल गया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपको दिख रहा होगा, इसका एक थ्रेड निकल गया, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बाकी इसमें आपको दिक्कत है नहीं, और मैंने आपको बताया इसमें है भी नहीं। आगे आप बढ़ते हैं इसके तीसरे एडवांटेज की तरफ। तो बढ़ते हैं तीसरे चीज़ की तरफ, और जो तीसरा इसका स्टेप है, वो तो उसका तीसरा एडवांटेज है, वो है कि भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि मुझे 2 मंथ हो गए इसे यूज़ करते करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने पहले ही पता कि कुछ कपड़े फट चुके हैं, कपड़े नहीं बोलूँगा लेदर बोलूँगा, फट चुके हैं, और कोई दिक्कत मुझे आई नहीं ओवरऑल। एंड हाँ, मैंने 15 दिन तक ड्यूरेबिलिटी की सबसे बड़ी बात है क्या, इसमें हवा भी बहुत रहती है भाई, बहुत दिन तक रहती है। यूँ मान लो इसकी हवा स्टोर रहती है, अगर आपने आज भरी तो 15 दिन तक कहीं हवा नहीं खत्म हो रही। देखो मैंने इसी चीज़ के लिए 15 दिन तक इस बॉल को नॉर्मल खेला, और आज जाके इसकी हवा कम हुई है, आपको दिख रही होगी, और अभी भी मैं इससे खेल सकता हूँ, इसकी हवा भी कम नहीं हुई है, और इससे आजकल वीडियो भी आ रही है। हाँ, तो अब बढ़ते हैं इसकी सबसे मुश्किल, और आप इस चीज़ के लिए रुके वापस वीडियो में, इसका डिसएडवांटेज। तो इस वीडियो का जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इसकी स्टिचिंग। हाँ, ये थ्रेडिंग कर रखी है, वो भी बाहर की तरफ, बहुत सी सारी फुटबॉल में ज़्यादातर बाहर की तरफ थ्रेडिंग हो रखी होती है। एंड इस प्राइसिंग में इतनी चीप फुटबॉल है, और ये भी हो, ये ज़रूरी नहीं था, बट इसमें थ्रेड, ये चीज़ मुझे एक्चुअली बुरी लगती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया ये उस जगह से फट चुकी है, जैसे कि थ्रेडिंग खुली है, फटी नहीं है, थ्रेडिंग खुल गई है, अब ख़राब होगी तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी ख़राब होना, टूटते 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 वो सारे धागे खुल जाएंगे। अब ये चीज़ बुरी है, बाकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, बट थ्रेडिंग की दिक्कत है। तो चाहो तो बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी आई बटन में भी आ रहा है, और आई बटन में जो अभी लिंक आ रहा है ना, इसको जाकर जरूर देखना, फुटबॉल के शूज़ का रिव्यू है 500 के अंदर, और स्क्रीन पे जो आ रहा है उस पर क्लिक कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।